एग्ज़ाम प्रिपरेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हिंदी के भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका से है, ठीक है। और यदि आप संविदा शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। काव्य विभाग का उद्देश्य है, आंसर है डी, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, इसका आंसर है सी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं, तो इसका आंसर है डी, नियमों का अति सामान्यकरण। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है डी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियाँ कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो इसका आंसर है बी, कहानियों कविताओं का व्याकरणीय नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। नेक्स्ट, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो इसका आंसर है बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। नेक्स्ट, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्य का प्रयोग करती है, तो मंदिरा, तो इसका आंसर होगा ए, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ शब्द अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आंसर है डी, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का ये भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, तो इसका आंसर है बी, नियमों का अति सामान्यकरण। नेक्स्ट, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं, तार वाली भाषा का अर्थ है, तो इसका आंसर है डी। अब मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, तो इसका आंसर है ए, ब्राह्मी। व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर है सी, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर है सी, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाए। नेक्स्ट, निबंध रचना में इनके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है, तो इसका आंसर है बी, विचारों की न्यूनता। मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है, तो इसका आंसर है ए, विराम चिन्ह के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। नेक्स्ट, स्कूल कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष का उदाहरण है, तो इसका आंसर है ए, स्वरागम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उच्चारण है, तो इसका आंसर है सी, ब्रजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना। निम्नलिखित में से कौन सा
स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है, तो आंसर है डी, स्नान का अस्नान कहना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है, तो इसका आंसर है बी, क्षत्रिय को क्षति कहना। नेक्स्ट, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष का उदाहरण है, तो इसका आंसर है सी, स्वर लोप। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।